कपीस तीन को जागर, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। खुशी नाम है ना बेटा तुम्हारा? आपको कैसे पता? आपके पापा हनुमान जी ने बताया मुझे, आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। खुशी बेटा, पूजा खत्म होने के बाद ये एनवेलप अपने पापा जी को दे देना, ठीक है बेटा? बोलो बजरंग बली की। जी बेटा, प्रणाम करो। ये क्या? चॉकलेट आपको किसने दिया? एक अंकल ने दिया था। ये क्या? उन्हें आपके लिए एनवेलप भेजा है। बेटा किसने दिया आपको एनवेलप और चॉकलेट? वो अंकल। कहाँ है वो अंकल? देखो उनका चेहरा याद है आपको? वो धूप और धुआं आ रहा था आंखों पे तो। कोई बात नहीं बेटे, ऐसे किसी भी अनजान लोगों से ये चॉकलेट या ऐसे कोई चीजें नहीं लेते। ओके ठीक है, चल। हनुमान, इतनी इमरजेंसी में? सर ये देखिए, आज सुबह हम मंदिर में पूजा कर रहे थे तो कोई अजनबी ये एनवेलप हमारी बेटी खुशी के हाथ में देकर चला। मियां ऐसा एनवेलप तो आज सुबह हमारे घर पे भी आया, ये देखो। ये पीछे लिखा है इसमें कि शाम तक का समय तेरे पास अगर है? काम तक का समय है तेरे पास, अगर बचा सकता है तो बचा ले। दोनों फोटो के पीछे सेम मैसेज। ये क्या चक्कर है? और ये लोग हैं कौन? इन्हें इस तरह से बंदक क्यों बना के रखा हुआ है? यार जो कोई भी है, शाम ढलने से पहले इन्हें बचाना जरूरी है। ये लिखावट तो एक ही आदमी की लगती है, मतलब किडनैपर कोई एक ही है, लेकिन ये चारों है कौन और इन्हीं को किडनैप क्यों किया गया? इतने बड़े शहर में सिर्फ इन चारों को किडनैप करना, आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? मैं भी सोच रहा हूँ यार, लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले इस फोटो की पहेली को सॉल्व करना पड़ेगा। सर लगता है ये फोटोज भेज के वो कोई खेल खेलना चाहता है हमारे साथ। ठीक है तो हम भी खेल खेलते हैं। सर मैग्नीफाइंग ग्लास देना। सर ये तो कोई फैक्ट्री, बंद पड़ी होगी। चालू फैक्ट्री में कोई ऐसा कांड तो करेगा नहीं।
इसके कपड़े देखिए सर, काफी महंगे हैं। कपड़े, जूते, घड़ी, ये कोई पैसे वाला आसामी लगता है। तो सर कहीं ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं की गई? नहीं शंभू जी, ये पैसों के लिए तो नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो ये फोटोग्राफ्स नहीं भेजता। और सुशांत जी, जरा पता करिए कि ऐसे कितने फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स हैं जो बंद पड़ी है शहर में। सर, ये घड़ी जो है ना, घड़ी कुछ ज्यादा ही महंगी लगती है। ऐसा लगता है हर किसी स्टोर में तो ये मिलती नहीं होगी। बात तो सही कह रहे हैं। क्या पता ये घड़ी इसका टाइम बदल दे, चांस तो लेना ही होगा ना। अजय सर, किसी घड़ी के एक्सपर्ट को बुला के लाओ, पता तो चले ये घड़ी असली है कि नकली, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है सर। हनुमान, ये तो कोई गोडाउन जैसी जगह है। ये देखो फर्श इसकी, धूल है और ये कागज के टुकड़े। हाँ सर। यार, जिस टेप से इसका हाथ बांधा हुआ है उसपे QR लिखा हुआ है, तो कहीं ये टेप बनाने वाली फैक्ट्री का नाम तो नहीं है? सिर्फ टेप के नाम से उस किडनैपर को कैसे ढूंढेंगे हम? ऐसी टेप तो कई लोगों ने खरीदी होगी। ये बात तो है। एक मिनट। हनुमान, ये देखो मियाँ, इसके चश्मे में जो रिफ्लेक्शन है उसमें QR है। ये टेप बनाने वाली कंपनी जो QR है ना, उसी का ही गोडाउन है। लेकिन सर, सिर्फ एक आदमी को गोडाउन में कैसे बंद करके रखेगा वो? अब झट से पता चल जाएगा। अरे यार, ये बंद पड़ा गोडाउन होगा ना, चालू होता तो पैसा नहीं होता। मीनाक्षी, जरा पता करो ये QR कंपनी का कोई ऐसा गोडाउन है क्या जो बंद पड़ा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सर, आइए। सर, ये वॉच एक्सपर्ट है। नमस्ते सर जी, हम घड़ियाल। लगी रहा है वॉच एक्सपर्ट तो। घड़ियाल साहब, जरा ये फोटो देखिए, इसमें एक घड़ी है, क्या बता सकते हैं ये घड़ी असली है कि नकली? भाई साहब, इतने छोटे से कांच में से देख पाओगे? अरे इसी में से पता चलेगा कि ये असली है या नकली। हम घड़ियाल हैं, घड़ी की फोटो सुनकर बता देंगे, देखिए। सर, हनुमान, देखिए सर, कोई हॉस्पिटल लगता है खिड़की के सामने, पर ऐसे तो बहुत सारी इमारतें हैं शहर में, ढूंढना तो पड़ेगा, सबको बचाना जरूरी है और टाइम भी कम है। सर, सर ये बिल्कुल असली माल है, और ये उन घड़ियों में से है जो बहुत कम मात्रा में बनाई जाती है। कम मात्रा में? जी बिल्कुल, ये कस्टम मेड माल है। हर कंपनी अपना एक स्पेशल और महंगा मॉडल उतारती है जो बिल्कुल हटके होता है, और ये बिल्कुल लिमिटेड एडिशन में आता है। लिमिटेड एडिशन? तब तो हम इस घड़ी की मदद से ये पता कर सकते हैं कि वो आदमी कौन है। जी बिल्कुल सर। शुक्रिया घड़ियाल साहब। अच्छा, हम चलते हैं। सर, जब QR कंपनी से पता चला है कि उनका एक गोडाउन है ऐश बाग में, किसी झगड़े की वजह से बंद पड़ा। ऐश बाग में? गुड, अनन मैं वो गोडाउन चेक कर लेता हूँ, तुम लोग जरा आगे देखो। सो अजय, साक्षी, इस वॉच कंपनी से पता करो कि ये स्पेशल एडिशन वाली घड़ियां किस किसने खरीदी है। सर, सर शहर में ऐसी 3 फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं, लेकिन सर शहर के 3 अलग अलग कोनों पे हैं। अलग अलग कोनों?
इसका मतलब है इन्हीं किसी फैक्ट्री में उस आदमी को बंदी बना के रखा हुआ है। सर, सर ऐसी घड़ी इस शहर में 5 लोगों ने खरीदी। उनके नंबर और उनके एड्रेसेस तो मैंने ले दिए हैं। 3 सही सलामत और 2 लोग गायब। 2 लोग गायब हैं। ठीक है, आप और शंभू जी इन दोनों का पता करो, तब तक हम ये बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियों का मुआयना करते हैं। सर यही है वो QR का गोडाउन जो इस्तेमाल में नहीं है। सर ये तो लॉक है, अगर वो अंदर नहीं हुआ तो क्या पता अंदर हो। किडनैपर ने उसे बंदी बना के अंदर रखा हो और बाहर से ताला लगा दिया हो। ये भी हो सकता है सर। वो ताला 2 में से 1 आदमी अपने ऑफिस में है, बस यही एक उम्मीद बची है। अगर यहाँ पे भी कमल होगा तो हम उस मासूम को कैसे बचा पाएंगे। सही कह रहे हैं, बस यही दुआ करती हूँ कि उस आदमी का जल्द से जल्द पता चल जाए। जी मैं पुलिस स्टेशन ही आ रही थी। क्यों, क्या बात है? मैडम वो मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन, कमल जी का? हाँ, लेकिन आप लोग कैसे जानते हैं उनके बारे में? वो ठीक तो है ना? आप रिलैक्स हो जाइए, अंदर चलिए हम आपको बताते हैं। क्या मियाँ, तुम तो कह रहे थे QR का गोडाउन है, यहाँ तो कुछ और ही रखा हुआ है। सर मुझे लगता है कि ऊपर भी कुछ है। जाके देखो जरा। ऑफिस के लिए निकले थे, उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बहुत जल्दी में थे। फिर थोड़ी देर में उनके ऑफिस से फोन आया, बोले कि वो अभी तक पहुंचे नहीं है, सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा कि वो काफी देर पहले ही घर से निकल चुके हैं, पर मैंने उनको फोन मिलाया पर उनका फोन भी नहीं मिला। फिर मैंने प्रताप को फोन किया। प्रताप? वो हमारा ड्राइवर है। तो उसने फोन उठाया? नहीं। मीनाक्षी मैं हनुमान सर को फोन करता हूँ। शंभू जी वो कमल जी के ड्राइवर का नंबर भी ट्रैकिंग पर डाल दीजिए, आप नंबर देंगे प्लीज। अब तो आप बता दीजिए कि आप मेरे पति के बारे में कैसे जानती हैं? वो क्या है ना अनीता जी, दरअसल बात ये है कि आपके पति का किडनैप हो गया है। क्या किडनैप?
आ जाए। ये देखिए सर, QR। QR? इसका रिफ्लेक्शन आया था उसके। अजय सर। ओ भाई साहब आप ठीक हैं? इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर आप ठीक है? भाई साहब सुनिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स गए हैं उन्हें बचाने के लिए। बस आपसे एक विनती है, इस बारे में आप किसी को कुछ मत बताइएगा, ठीक है? अब आप रोना बंद। संभाल के बिठाओ यहां पे। इसके पीठ पे क्या लिखा है? सत्रह। चलो राम जी की कृपा से ये जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी उठाओ। शुक्र है वक्त रहते हमने दो विक्टिम को तो बचा लिया, उनमें से एक विक्टिम का नाम और पता भी मिल गया है, कमल का। इससे हमें बाकियों के बीच में क्या कनेक्शन है पता करने में आसानी होगी अगर हम कुंडली निकालने कमल की। तो सुशांत अपने खबरियों पर काम को लगाओ जल्दी। लेकिन सर जब हमने कमल को देखा था तो एक बात बहुत अजीब लगी थी, उसके ब्लेजर के पीछे 17 नंबर लिखा हुआ था। 17 नंबर? हाँ सर, और ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर ये नंबर उसके ब्लेजर के पीछे लिखा है। यार अनुमान, गोडाउन में जहां दूसरा विक्टिम मिला था उसको उठाया तो उसकी पीठ के पीछे दीवार पे 22 नंबर लिखा हुआ मिला। सर ये कैसे नंबर है? 22 17, कहीं किडनैपर हमें कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है इन नंबर्स के? 17 नंबर 22 नंबर, सोचो जरा क्या हो सकता है ये नंबर। सर एज? एज और बर्थ ईयर। ठीक है, बर्थ ईयर और रोड नंबर, गली नंबर, लेन, रोड नंबर। अजय जरा पता करो 17 नंबर 22 नंबर से कोई हाईवे है। अब एज से शुरू करते हैं यार। सर एज 17 22 इन दोनों में से किसी का एज तो नहीं हो सकता। बर्थ ईयर? बर्थ ईयर दोनों के एज के हिसाब से बर्थ ईयर भी मैच नहीं होता, ये भी नहीं, लेन रोड। कमल के घर का रोड नंबर या घरी नंबर ना तो 17 है ना 22। गली रोड नहीं हाईवे। अजय कुछ मिला कोई हाईवे? सर 17 या 22 नंबर का ना तो कोई गली है और ना हाईवे। कमाल है यार। यार हनुमान एक बात है, ये 22 नंबर और 17 नंबर का हमारा
अगले विक्टिम से कुछ ना कुछ लेना देना है, क्योंकि ये दोनों नंबर हमें क्राइम सीन पे मिले थे। क्या हो सकता है सर? शायद ये कोई कोड हो सकता है किडनैपर्स तक पहुंचने का। क्या बोला शंभू? कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बोल ऐसे ही बोला, लेकिन बहुत सही बोला। कोड, पिन कोड, पोस्टल पिन कोड। अनुमान, जहां तुम्हें कमल मिला था उसकी पीठ पे हमें मिला था 17 नंबर, और 17 नंबर उस गोडाउन वाली जगह का पिन कोड है जहां मुझे दूसरा विक्टिम मिला, आलमबाग, और वहां पे मुझे मिला है 22 नंबर, और 22 नंबर कमल वाली जगह का पिन कोड नहीं। हो सकता है वो हमें अगले विक्टिम का लोकेशन बता रहा हूँ, इसका पिन कोड 22, और 22 नंबर तो कल्याणपुर का पिन कोड। कल्याणपुर, तो कल्याणपुर में हमें उस बिल्डिंग को ढूंढना होगा जिसके सामने वो हॉस्पिटल है, जिस पर वो साइन है। 22 नंबर कल्याणपुर। कल्याणपुर में हमें वो लॉन वाली लड़की भी मिल सकती है और कॉफिन वाला आदमी भी। हमें हर उस कॉफिन की दुकान को चेक करना होगा जहाँ से पिछले 1-2 दिन में कॉफिन बेचा गया। अरमान, तुम इस कॉफिन वाले आदमी को ढूंढो। सो मैं इस लॉन वाली लड़की का पता लगाता हूँ। पिछले 1-2 दिनों में कोई कॉफी लेने के लिए आया था? हाँ सर, 4-5 लोग आ चुके हैं। अच्छा, रघुवंश की मौत का बदला लेने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है।